व्हाट्स अप एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आप लोगों ने बहुत ही ज्यादा मैसेजेस करे हुए थे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के बड़े क्वेश्चंस, फाइनेंशियल स्टेटमेंट विद एडजस्टमेंट्स, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के बड़े क्वेश्चन। तो चलो फिर अभी हम शुरू करते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। बहुत तरीके से तुम्हें ट्रेडिंग पीएनएल बैलेंस शीट का एक विदाउट एडजस्टमेंट का क्वेश्चन कराता हूं, उसके बाद एडजस्टमेंट के क्वेश्चन कराता हूं। तो आइए जल्दी से लेट्स बिगिन। सबसे पहले हम शुरू करते हैं एक ऐसे क्वेश्चन के साथ जिसमें एडजस्टमेंट नहीं है। तो पहले आप बेसिक सीख लो, उसके बाद फिर धीरे धीरे चीजें कंटिन्यू करना, ठीक है? देखो क्वेश्चन कैसा होता है। फॉलोइंग इज अ ट्रायल बैलेंस ऑफ श्री दामोदर प्रसाद। एक ट्रायल बैलेंस दिया हुआ है जिसमें आपको बहुत सारी आइटम्स दी हुई है, ठीक है? उसके बाद लास्ट में बोल रहा है ट्रेडिंग पीएनएल अकाउंट बनाओ और बैलेंस शीट बनाओ, और जो क्लोजिंग स्टॉक है वो 22,000 रुपीज का गिवन है। क्लोजिंग स्टॉक 22,000 का गिवन है। तो हम एक काम करते हैं, मैं बार बार पेज क्या स्विच करूंगा, मैं यहां बनाता हूं। सिंपल सा एक चीज हो जाएगी हमारे पास। हम लोग एक काम करेंगे, यहां पे एक बैलेंस शीट बना लेंगे छोटा सा। कुछ इस तरीके से हम कोशिश करते हैं। लो जी, लाइबिलिटीज अमाउंट एसेट्स अमाउंट, ठीक है? इधर बैलेंस शीट बना देता हूँ मैं, और इधर हम लोग एक ट्रेडिंग एंड पीएनएल अकाउंट बना लेते हैं। ट्रेडिंग एंड पीएनएल अकाउंट तो बहुत बेसिक होता है, उसमें आपको एज सच कोई प्रॉब्लम आएगी नहीं, ठीक है? ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अब मैंने आपको बेसिक फॉर्मेट समझाया है शुरू से कि ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्या फॉर्मेट होता है। ट्रेडिंग में मेनली चार चीजें आती हैं, इनवर्ड परचेज, फैक्ट्री या मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड कोई भी चीज हो। और शुरुआत किस चीज से होती है, हमेशा क्वेश्चन की जो शुरुआत है ट्रेडिंग की वो ओपनिंग स्टॉक से होती है, ये याद रखना, शुरुआत ओपनिंग स्टॉक से होती है। इधर बाय सेल्स माइनस रिटर्न्स, सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न, और क्लोजिंग स्टॉक। ये बेसिक फॉर्मेट है, ठीक है? चलो शुरू करते हैं। देखो सबसे पहले हमें ओपनिंग स्टॉक दिया हुआ है, ओपनिंग स्टॉक 10,000, तो यहाँ पे लिख देंगे टू ओपनिंग स्टॉक 10,000, आ गया। ट्रेडिंग में ही आएगा, हमेशा याद रखना, ओपनिंग स्टॉक ऑलवेज ट्रेडिंग में आएगा। मैं काम करता हूँ, ये वाला लाइट बंद करता हूँ सो दैट आपको रिफ्लेक्शन खत्म हो जाए। आई थिंक अब रिफ्लेक्शन खत्म हो जाएगा तो काफी क्लैरिटी रहेगा। ओपनिंग स्टॉक यहाँ पे आ गया। अब आगे बढ़ते हैं, परचेजेस। परचेजेस मैंने आपको लिखवाया है, चार चीजें लिखवाई है ना, बस फॉर्मेट याद रखना, परचेजेस इधर ही आएगा, टू परचेजेस यहीं पे आएगा, टू परचेजेस शॉर्ट में लिख रहा हूं मैं, आप लोग मत लिखना, 58,000। अब आपको सोचना है कि मैंने ये 58,000 इनर कॉलम में क्यों लिखा, क्योंकि हमें परचेजेस चाहिए नेट। हमने जो भी सामान खरीदा है सारा का सारा तो नहीं रखेंगे, कुछ ना कुछ तो हम लोग वापस भी करेंगे ना, है ना? तो परचेजेस के बाद अब वेजेस, क्या वेजेस फैक्ट्री में जाएगा? हाँ बिल्कुल, याद रखेंगे वेजेस हमेशा फैक्ट्री में दी जाती है और सैलरीज हमेशा ऑफिस में दी जाती है। हमें यहाँ पे फैक्ट्री वाली चीज लिखनी है, ठीक है? तो यहाँ पे आप लिख दोगे टू वेजेस, सर ये जगह क्यों छोड़ी, परचेज रिटर्न के लिए। वेजेस आ गया 4,700 के हमारे वेजेस। उसके बाद रिटर्न इनवर्ड, देखो रिटर्न इनवर्ड में बच्चों को बहुत कंफ्यूजन होता है, तो मैं हमेशा से बोलता हूँ कंफ्यूजन नहीं, इनवर्ड का मतलब इन, आपके पास आ रहा है, क्या वापस आएगा आपके पास, जो माल बेच दिया होगा भाई, जो तुमने खरीदा है वो वापस थोड़ी ना आएगा, वो तो वापस जाएगा, तो दैट शुड बी रिटर्न आउटवर्ड, और जो बिका था वो वापस आ रहा है, दैट विल बी इनवर्ड। तो सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न, ये सेल्स रिटर्न है, 3,520 यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है? ओपनिंग स्टॉक, परचेजेस, वेजेस, सेल्स रिटर्न, कैरेज ऑन परचेज, देखो परचेज का खर्चा लिखा हुआ है ना, कैरेज ऑन परचेज, ये रिलेटेड टू परचेज है। मैंने आपको बताया ना, फैक्ट्री, परचेजेस, मैन्युफैक्चरिंग, इनवर्ड, ये चार चीजें सारी ट्रेडिंग में आती हैं। कैरेज ऑन परचेज इधर टू कैरेज, सिर्फ कैरेज लिखा होता तो भी यही आता, कैरेज आ गया 2,360। उसके बाद कैरेज ऑन सेल्स, ये कैरेज सेल्स का है। अब याद रखेंगे, मैं एक काम कर रहा हूं, हम ये एज्यूम कर रहे हैं कि हमारा यहां से पी एंड एल शुरू हो गया, हम ये एज्यूम कर रहे हैं कि हमारा यहां से पी एंड एल शुरू हो गया, तो टू कैरेज ऑन सेल, ठीक है?
कुछ स्कूल्स में अलग अलग बनवाया जाता है तो आप अलग भी बना सकते हो, बट हम लोग यहाँ एज्यूम कर रहे हैं कैरिज ऑन सेल्स 710, 710। देन ऑफिस का सैलरी, देखो साफ साफ लिखा हुआ है सैलरी, याद रखेंगे वेजेस फैक्ट्री में दिया जाता है, ट्रेडिंग में आएगा, सैलरी ऑफिस में दिया जाता है, P&L में आएगा। सैलरी टू सैलरी, सैलरी कितना है सर? 4800 सैलरी आ गया। रेंट एंड टैक्सेस, कहीं पे भी ना फैक्ट्री लिखा है ना इनवर्ड लिखा है, और परचेज पे कोई रेंट तो होता नहीं है, है ना, तो ये कहाँ जाएगा? P&L, सोचना ही नहीं है, सीधा सीधा इधर टू रेंट एंड टैक्सेस, कितना? 2400, ये 4800 था, ये 2000 रेंट एंड टैक्सेस है हमारे पास 2400। अच्छा जी, कैश, कैश तो आपका एसेट होता है, कैश क्या होता है? आपका एसेट होता है, तो ये बैलेंस शीट में एसेट्स में जाएगा कैश। कैश कितना है जी? 1100। हमेशा याद रखना, अब आप एग्जाम में भी ऑलवेज रिमेंबर, तीनों फॉर्मेट साथ में बनाओ और आइटम्स फिल करते जाओ। कैश के बाद बैंक का बैलेंस, ये भी मेरा एसेट है भाई, मेरा कैश, मेरा बैंक, मेरे संपत्ति है, ये प्रॉपर्टीज है। 7820 ये इधर आ गया सर। बैड डेट्स आपका लॉस है, सभी एक्सपेंसेस लॉसेस डेबिट में ही आते हैं, जितने भी एक्सपेंसेस लॉसेस हैं वो सब डेबिट में, जितने भी इनकम्स वगैरह हैं वो सब इधर, ठीक है, जैसे माल बिका, इनकम, ये सब इधर। अच्छा, बैड डेट्स कितना हो गया आपके पास? 600। डिस्काउंट दिया आपने किसी कस्टमर को 640 का, वो भी यहीं पे, ये भी आपके एक्सपेंस लॉस, टू डिस्काउंट। डिस्काउंट के बाद लैंड, स्कूटर, जमीन आपका एसेट होता है, तो लैंड एंड बिल्डिंग में शॉर्ट में लिख रहा हूँ, स्कूटर भी आपका एसेट होता है। लैंड एंड बिल्डिंग 20,000, स्कूटर 6600, 20,000, स्कूटर 6600। स्कूटर में रिपेयर कराया, रिपेयर एक खर्चा है, स्कूटर रिपेयर 850 का यहाँ पे रिपेयर, स्कूटर आपने रिपेयर करा दिया। बिल्स रिसीवेबल, ये आपका एसेट होता है, किसी से पैसा लेना है वो आपका एसेट है, BR आप एसेट में लिखोगे, BR एसेट में लिख दो 3500। ये टोटल वोटल कुछ नहीं है कहीं, इसको टोटल मान लो, ये तो जस्ट ट्रायल बैलेंस का टोटल है। कमीशन, अब देखो कमीशन को क्या माने, कि कमीशन पेड है या रिसीव्ड है, तो ऑलवेज रिमेंबर, अगर डेबिट में दिया है तो पेड, क्रेडिट में दिया है तो रिसीव्ड, ठीक है, पेड है तो इधर ही आएगा, यहाँ जगह कम है तो मैं ऊपर लिख रहा हूँ, है ये P&L, ठीक है। तो कमीशन, प्रॉफिट एंड लॉस में 1800 कमीशन हो गया। डेटर आपका एसेट होता है, डेटर वो है जिससे पैसा लेना है, डेटर आ गया मेरे पास 25,400। इसके बाद इंटरेस्ट पेड, 1500 रुपये का आपने इंटरेस्ट पे करा है, यहाँ पे लिखेंगे 1500 टू इंटरेस्ट पेड। फिर ड्राइंग्स, ड्राइंग्स को क्या करना है, ड्राइंग्स हमेशा कैपिटल से माइनस होती हैं, ऑलवेज रिमेंबर कैपिटल से माइनस, तो कैपिटल जितना भी आएगा माइनस कर दूंगा ड्राइंग्स, माइनस करूंगा ड्राइंग्स 6000 की ड्राइंग्स हम माइनस कर देंगे, ब्रैकेट में लिखने का मतलब है माइनस कर देंगे, ठीक है। बेसिकली तीन पार्ट्स में हमारा अकाउंट डिवाइडेड है, ट्रेडिंग, प्रॉफिट एंड लॉस, और उसके बाद ये मेरा तीसरा है बैलेंस शीट, ठीक है। ट्रेडिंग में ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक, सेल्स परचेज, ये फिक्स्ड है। इसके बाद यहाँ पे डायरेक्ट एक्सपेंसेस आते हैं, मैंने बताया था आपको डायरेक्ट एक्सपेंसेस कौन कौन से होते हैं, चार चीज़ों से रिलेटेड, फैक्ट्री, इनवर्ड, प्रोडक्शन, परचेज, उसके अलावा कुछ भी आएगा सारे खर्चे यहाँ पे, सारे यहाँ पे, ठीक हो गया। अच्छा, अब चलते हैं क्रेडिट पे, डिस्काउंट रिसीव्ड इनकम है, तो सारी इनकम्स यहाँ, सारी बाय डिस्काउंट, कितना मिला? 750 रुपये का डिस्काउंट रिसीव्ड। रिटर्न आउटवर्ड, देखो आउट पैसा बाहर जा रहा है, रिटर्न गुड्स वापस जा रहे हैं, तो जो खरीदा है वही तो वापस करोगे, 2600 माइनस रिटर्न 2600, तो 58,000 माइनस 2600, 58,000 माइनस 2600, 55400, 55400। सेल्स, माल बिका 98650, तो 98650 माइनस 3520, 95
130, ये हमारी सेल्स है, सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न, परचेज माइनस परचेज रिटर्न। बिल्स पेबल आपकी लाइबिलिटी होती है, यहाँ पे लिख लो बिल्स पेबल आपकी लाइबिलिटी है, कितना बिल्स पेबल है 3000। क्रेडिटर भी आपकी लाइबिलिटी है, क्रेडिटर भी हमारी लाइबिलिटी है 5600। उसके बाद क्रेडिटर फॉर रेंट, कोई भी क्रेडिटर्स हो, ये गुड्स के लिए है, गुड्स का पैसा देना है, ये रेंट के लिए आएगा यहीं पे, क्रेडिटर फॉर रेंट 500, ठीक है। कैपिटल 40,000, कैपिटल यहाँ पे आता है 40,000। लोन फ्रॉम एक्स, लोन लिया आपने, ये भी लाइबिलिटी है, लोन लिया है, लोन आ गया 10,000 का। कमीशन, देखो अब ये कमीशन क्रेडिट में है, यहां पे कमीशन डेबिट में थी, डेबिट में थी तो मैंने भी डेबिट में लिखा, क्रेडिट में है तो मैं भी क्रेडिट में लिखूंगा। बाय कमीशन, कमीशन कितना 1200। देखो सारा काम हो गया नहीं हो गया। क्लोजिंग स्टॉक 22,000 रुपीज का नीचे गिवन था। अब याद रखेंगे क्लोजिंग स्टॉक जो भी चीज ट्रायल बैलेंस से बाहर दी होती है, जैसे ट्रायल बैलेंस में दी थी ना सारी चीजें, अब क्लोजिंग स्टॉक अलग से दिया हुआ है, जो भी चीज अलग से दी हो उसको एडजस्टमेंट बोलते हैं, और वो सभी एडजस्टमेंट दो दो जगह पे जाती है। इसका मैं एक डिटेल लेक्चर नेक्स्ट क्लास में बनाऊंगा, बट फॉर नाउ याद रखेंगे क्लोजिंग स्टॉक, आप क्लोजिंग स्टॉक यहां भी लिखोगे इधर और एसेट्स में भी लिखोगे। क्लोजिंग स्टॉक 22,000 का क्लोजिंग स्टॉक हो गया, तो कोई भी एडजस्टमेंट हो वो दो जगह पे जाएगी, पहली एडजस्टमेंट क्लोजिंग स्टॉक जो यहां भी आया और यहां भी आया, ठीक है। अब आपको क्या करना है, अब आपको बहुत सिंपली शुरुआत करनी है प्रॉफिट निकालने से। सबसे पहले ट्रेडिंग से प्रॉफिट निकालने की ट्राई करना, ट्रेडिंग से प्रॉफिट कैसे कैसे निकलते हैं, कौन कौन से निकलते हैं। देखो आप यहां पे सबसे पहले एक टोटल की लाइन खींच दो कि यहां पे हमारा अकाउंट बंद हो रहा है, ठीक है, यानी कि यहां पे ट्रेडिंग अकाउंट खत्म हो रहा है, तो यहां से प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट शुरू हो रहा है, ओके। अब देखो आप इधर का टोटल करो 95,130 और 22,000, 1,17,130, 1,17,130, 1,17,130, 1,17,130। इसमें से आप ये एक्सपेंसेस हटा दो, माइनस 10,000, पहले मैंने ये हटाया, इन दोनों को प्लस किया, हटा रहा हूँ, माइनस 10,000, माइनस 55,400, माइनस 4,700, माइनस 2,360, ये भी माइनस कर दिया, ये भी माइनस कर दिया, तो मेरे पास पैसा बच रहा है 44,670 बच रहा है, तो यहाँ पे लिखूंगा 44,670, इसको बोलते हैं ग्रॉस प्रॉफिट, ग्रॉस प्रॉफिट कैरिड डाउन, ऐसे ही लिखना है 1,17,130, जो इधर टोटल है वो इधर टोटल होगा, ग्रॉस प्रॉफिट कैरिड डाउन 44,670, ठीक है। अब इसी ग्रॉस प्रॉफिट को एज इट इज यहां से उठा के यहां लेके आना है बाय जीपी ब्रॉड डाउन, क्योंकि मैंने आपको फॉर्मेट में समझाया था कि जहां से ट्रेडिंग खत्म होता है वहीं से पीएनएल शुरू हो जाता है, जहां ये खत्म होगा वहां ये शुरू होगा, ठीक है। इसको इधर ले आओ, जीपी ब्रॉड डाउन 44,670, ठीक है। अब 44,670 में आपकी दो इनकम्स और हो गई, कौन कौन सी दो इनकम्स हुई, 750 का डिस्काउंट मिला और 1200 की एक कमीशन मिली, तो टोटल 46,620 हो गए आपके पास, 46,620, अगर कट हो रहा होगा तो लिखा है मैंने 46,620, ठीक है। अब क्या करना है मुझे इस 46,620 में से, ये सब खर्चे माइनस कर देने हैं, कौन कौन से एक्सपेंस हुए, 1800 का हमने कमीशन दिया, फिर 710 रुपये का हमने कैरेज दिया, फिर 4800 रुपीस का हमने सैलरी दिया, देन 2400 का हमने रेंट दिया, देन 600 रुपीस का हमने बैड डेट्स हो गया हमारा, 640 का हमारा डिस्काउंट हो गया, देन 850 का हमारा रिपेयर हुआ और 1500 का हमने इंटरेस्ट दिया, तो 33,320, इसको हम बोलते हैं नेट प्रॉफिट, इसको क्या बोलते हैं नेट प्रॉफिट 33,320। और ये नेट प्रॉफिट, अब सोचो, आप खुद सोचो कि अगर प्रॉफिट होगा फर्म में, बिजनेस में प्रॉफिट होगा तो कैपिटल बढ़ेगा ना, मेरा कैपिटल बढ़ जाएगा, तो इस नेट प्रॉफिट को आप यहां ऐड कर देते हो, प्लस नेट प्रॉफिट 33,320, अब टोटल अमाउंट बाहर, देखो मैंने कितना पैसा लगाया हुआ था 40,000 मैंने इन्वेस्ट करे हुए थे, प्लस 33,320 प्रॉफिट हुआ, माइनस जो मैं ऑलरेडी घर ले गया 6,000 में ऑलरेडी घर ले जा चुका हूं, 67,320, ये मेरा इधर आ गया,
बस अब आपको कुछ नहीं करना, आपको दोनों साइड का टोटल कर देना है। अगर ये बैलेंस शीट टैली हो जाता है इट मीन्स आपका क्वेश्चन बिल्कुल ठीक है, टैली नहीं होता तो आपने कोई ना कोई गलती करी है। ठीक है, 67320 प्लस 3000, 5600, 500, 10000, 86420, अब इस साइड देखते हैं क्या टोटल आ रहा है। 1100, 7820, 20000, 6600, 3500, 25400 और 22000, 86420, यस मैच कर रहा है। यहाँ पे टोटल कर देना, मेरे पास जगह नहीं है। 86420, मैं अगली बार ट्राई करूंगा, क्वेश्चन छोटा बनाऊंगा सो दैट जगह ज़्यादा मिले। देखो जी, बैलेंस शीट आपका 86420 आपका बैलेंस शीट टैली हो जाता है। करना क्या है एक बार क्रक समझ लो, उसका स्क्रीनशॉट ले लो, आराम से कर लेना उसका स्क्रीनशॉट ले लो। क्या क्रक्स है, व्हाट इज द क्रक्स, व्हाट इज द कंक्लूजन? कंक्लूजन ये है, सबसे पहले ये ट्रेडिंग अकाउंट बनता है, ठीक है। इसके अंदर से आपको ग्रॉस प्रॉफिट मिलेगा, उसको यहाँ ब्रॉड डाउन कर लो, फिर उसमें इनकम्स जोड़ो, ये खर्चे हटाओ। देखो जब आपने अकाउंट बंद कर दिया ना तो ऊपर वाले का तो काम ही खत्म हो गया, बस अब नीचे वाले से करना है जो करना है। ये आपने तीनों चीजें जोड़ी, तीनों चीजें जोड़ी, इसमें से ये सारे खर्चे हटा दिए, ये सब खर्चे हटाए तो आपके पास ये नेट प्रॉफिट आ गया, ठीक है। अब इस नेट प्रॉफिट को आपको यहाँ कैपिटल में जोड़ना है। सर सपोज अगर ये वाला साइड ज्यादा हो जाता, खर्चे ज्यादा हो जाते, फॉर एग्जाम्पल इधर 46, इधर 50,000 हो जाता, तो बैलेंस इधर आता, उसको मैं लॉस बोलता, नेट लॉस, फिर वो यहाँ से माइनस होता, ठीक है। प्रॉफिट आया तो प्लस, लॉस आया तो माइनस, इस तरीके से काम करना है। अब ये आपने इस तरीके से बैलेंस शीट लिखा, एसेट्स इधर, लाइबिलिटीज इधर, दोनों को टैली करो। अगर ये मैच होता है तो आपका क्वेश्चन बिल्कुल ठीक है, मैच नहीं होता तो कुछ ना कुछ गड़बड़ है। इस तरीके से गाइस फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का क्वेश्चन बनता है। होपफुली आप लोग को विदाउट एडजस्टमेंट समझ में आया होगा। अगर आपको इसमें कुछ भी प्रॉब्लम आ रहा है ना तो आपको पहले बेसिक समझने हैं, कॉन्सेप्ट समझना है, कॉन्सेप्ट समझो। मैं कुछ और क्वेश्चंस कराता हूँ आपको अगली क्लास में, और मुझे पता है आप सबके एग्जाम्स आ रहे हैं तो मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन भी मैंने ऑलरेडी बना दिया है, बस आपके पास पहुंच जाएगा आज या कल में ही। और अकाउंटेंसी के भी फटाफट आपके पास चैप्टर्स आ रहे हैं तो टेंशन मत लेना। प्लेलिस्ट मैं ऑलरेडी बना चुका हूँ, कम्युनिटी टैब में ही पोस्ट कर दी थी, टेलीग्राम पे भी पोस्ट कर दी थी और इंस्टाग्राम पे भी पोस्ट कर दी थी, आप जाके प्लेलिस्ट देख सकते हो सभी सब्जेक्ट्स का एंटायर सिलेबस। टिल देन अच्छे से प्रैक्टिस करो, इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। थैंक यू सो मच, आई एम गोना सी यू ऑल सुपर सून। थैंक यू।